अगली खबर आ रही है फरुखाबाद जिले से, जहां यूक्रेन से सुरक्षित लौटा छात्र, जिससे घर वालों के चेहरों पर आई मुस्कान। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देखिए इस वक्त जो सारे विश्व में तिराई तिराई मची हुई है, जो विश्व युद्ध के जो आसार बन रहे हैं, जो रूस और यूक्रेन से इस वक्त चल रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं सारी दुनिया आल बर्ड पर ही पड़ता है। यूक्रेन से लौटे आकिल रजा आए हमारे साथ। अब हम आकिल भाई से ये बात करेंगे कि आपने कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत से आप अपने घर पहुंचे हैं और कैसा आपको महसूस हो रहा है। अखिल भाई, सबसे पहले आवाज न्यूज से आपका स्वागत है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है, यकीन मानिए कैसा आपको लगा होगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये हम लोगों को पता लगा तो हम लोगों ने ये सब नहीं सोचा था, क्योंकि यूक्रेन बहुत छोटी कंट्री है और बहुत शांति प्रिय कंट्री है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं। जिस तरीके से रूस ने किया ये गलत है एक तरीके से, और हम लोग वहाँ से किस तरीके से निकले हैं, हम लोग हमारे सीनियर्स ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने, सब लोगों ने मदद की, वहाँ पे बस की हम लोगों ने, उसके लिए जो भी पैसा लगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ घर आना था। हम लोगों ने अपने शहर से बस करके फिर हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे हैं। हम लोग खैर हम ज़्यादा नहीं चले, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर हम लोगों के लिए नॉर्मल है। हम लोग वहाँ से बॉर्डर पे पहुँचे हैं, बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ठंड होने की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। तो हम लोग वहाँ पर किस्मत से मुझे सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का मौका मिल गया और मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया। कुछ लोग वहाँ पर 5 दिन से 3 दिन से जो लोग खड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बाकी हम सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ की और ऊपर वाले ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अपने घर तक आने का मुझे मौका मिल गया। अखिल भाई एक बात ये और बताइए, जो इंडियन मेडिकल छात्र गए हुए हैं, क्या ये सारे वहाँ पर एक ही सिटी में हैं? और दूसरी बात ये मेडिकल लाइन यूक्रेन ही सबसे ज्यादा क्यों? यूक्रेन में जो MBBS होता है वो थोड़ा सा चीप है, सस्ता है, क्योंकि आप 30-35 लाख में वहाँ पर MBBS की डिग्री ले सकते हैं। हिंदुस्तान में वही डिग्री आपको 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और इतने पैसे हर किसी के पास नहीं है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो भी पैसे जुटा के हम वहाँ पर गए, क्योंकि हमने यहाँ चीप है, सस्ता है, क्योंकि आप 30-35 लाख में वहाँ पर MBBS की डिग्री ले सकते हैं। हिंदुस्तान में वही डिग्री आपको 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और इतने पैसे हर किसी के पास नहीं है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो भी पैसे जुटा के हम वहाँ पर गए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी नीट का एग्जाम दिया, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी एक वजह है। हिंदुस्तान में 16 लाख स्टूडेंट उस एग्जाम में बैठते हैं और सीटें गवर्नमेंट की सिर्फ 30,000 सीटें, गवर्नमेंट सीटें 1% से कुछ ज्यादा है, ठीक है, 2% इक्वली मान लीजिए आप, तो 2% सिर्फ चांस होता है। और फिर उसमें भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 1 रैंक से 15,000 के अंदर आता है तो ही उसको कॉलेज मिलेगा। मतलब मेरे लिए जो सीट है सिर्फ ओनली 1% चांस है, अब आप समझ सकते हैं। तो हमारे सामने एक मजबूरी थी, हमने 3 साल प्रिपरेशन की, उसके बावजूद हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और हम किस मजबूरी से गए थे, क्योंकि मेरा एक सपना है, मेरे माँ बाप का सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, अपने गाँव के लोगों की, अपने शहर के लोगों की, बस मेरा ये ख्वाब है और मैं ये ख्वाब जरूर पूरा करूँगा। अच्छा आखिर भाई एक बात ये बताइए, जब आप बॉर्डर पे पहुंचे और आपको कुछ यकीन होने लगा, आप सेटिस्फाई होने लगे कि अब हम घर वापसी कर लेंगे, उसके पहले की जो फीलिंग थी और जो बाद की फीलिंग हुई उस पर कुछ बताएं डिटेल से। जी जब हम लोग रह रहे थे, जैसे हमला 25 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बच्चे डर रहे थे, ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, घबरा रहे थे, हमें भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हमें अपने घर वालों की फिक्र थी, क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे थे, हमारे सामने रो भी नहीं सकते हैं, ये सब भी था, तो इसलिए हम भी परेशान थे वहाँ पर, क्योंकि हमें फिर घर भी लौटना था, घर वापस आना था, सबसे मिलना भी था,
और जब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बॉर्डर के पास पहुंचते जा रहे थे, एकदम खुशी भी हो रही थी अंदर से कि चलो हम घर पहुंच जाएंगे सही सलामत। फिर बॉर्डर पे पहुंचे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों को उस जद्दोजहद में मतलब जो भी तकलीफें हुई, खैर ये भी एक हम लोगों के लिए एक्सपीरियंस है कि हम लोग MBBS करने गए और हम लोगों ने इतनी तकलीफों का सामना किया। ये भी एक एक्सपीरियंस है जो हमारी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी हम लोगों को ये याद रहेगा। और एक चीज और, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था जिस देश में हम रोमानिया गए थे, तो मैं कहना चाहूँगा कि रोमानिया के लोगों के लिए बहुत बहुत उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों की मदद की, बिना किसी सवाल के हम लोगों को हर चीज़ मुहैया कराई, जो भी चीज़ उन्होंने छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हम लोगों को दी, हम उनके लिए एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, और आखिर भाई बीच बीच में आपने जब हम लोगों को हर चीज़ मुहैया कराई, जो भी चीज़ उन्होंने छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हम लोगों को दी, हम उनके लिए एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, और आखिर भाई बीच बीच में आपने जब घर वालों से संपर्क किया होगा, घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी अपनी औलाद के लिए, और जो औलाद इतनी दूर पड़ी है उसको घर वालों की फिक्र, फिर अपनी जान की फिक्र। अब इस बेस पे हमें ये और बताइए कि भारत सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है? देखिए एक चीज है, मैं आपको सच बताता हूँ, सच ये है कि यूक्रेन से बॉर्डर क्रॉस करना खुद को है जी, खुद से आप अगर बॉर्डर पे पहुंच गए और आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो आप सेव हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आपको यूक्रेन में जाके नहीं बचाएगी वॉर के टाइम में। हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, जब हम लोग सेफ जोन में आ गए तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, बिल्कुल हमारी हेल्प की, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए थोड़ा बहुत जो भी किया, हम लोगों को घर वापस लाए, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन जो मैन जो था, मैन जो मोटो था, हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि बॉर्डर क्रॉस करके आप सेफ जोन में पहुंचिए, दूसरी कंट्री में पहुंचिए, सबसे बड़ी ये चीज़ थी। और हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए टिकट फ्री जो थी, हमारी टिकट फ्री है, घर तक हमको बाकायदा घर तक हमारे जो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लोग थे वो लोग छोड़ने आए हैं, और यही सब, ये इस तरीके से हम लोग घर पे पहुंचे और यही मेरा सफर था। अभी एक सवाल आखिरी हो रहा है आपसे जी, अब जब ये शांति होती है, समझौते हो जाते हैं, कहीं ना कहीं युद्ध विराम होगा, फिर उसके बाद में क्या आपको लगता है आपके गार्जियन और आप दोबारा से इस पथ पर रिटर्न जाएंगे? बिल्कुल, मैं पढ़ने के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ फिर मैं किसी चीज के लिए डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सैक्रिफाइस है मेरा कि मुझे यूक्रेन फिर से जाने का मौका मिले। मैं दुआ करता हूँ कि यूक्रेन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत शांति प्रिय लोग हैं, और मैं यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई फिर से करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर बनना है। और मैं इंडिया की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी हमें अभी तक कुछ भी नहीं मालूम है, 20,000 बच्चों का करियर दांव पे लगा है, वो लोग क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं मालूम है। और अगर मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं यूक्रेन फिर से जरूर जाऊंगा। तो देखिए, यूक्रेन से वापस आए आकिल रजा खान, डुनवा बुजुर्ग, मजाहिद हुसैन, आवाज न्यूज 24, फरुखाबाद।